आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम नारायण गुप्ता है सर, ग्राम देलहो, थाना बांके बाजार का स्थायी निवासी हैं। मैं अपने बच्ची रिंकी कुमारी गुप्ता की शादी किए थे सन 2018 में। इसी फिलहाल कुछ दिन उसने बढ़िया से रहा, एक साल के लमसम बढ़िया से रहा। इसके बाद उसके ससुराल। शादी कहाँ किए थे, किस गांव? शादी पटियाना ग्राम में किए थे, थाना बारह चट्टी में पड़ता। इसके बाद उसने, मेरा मेहमान जो दामाद हुए, उसने 2 लाख रुपए का मांग किया रिंकी कुमारी गुप्ता से कि अपने बाप से 2 लाख रुपया मांगो मेडिकल करने के लिए। उसने अपने मम्मी से बताई, मम्मी ने हमको बताया, मेरा वाइफ बताई कि जी से ऐसी ऐसी बात है, 2 लाख रुपया रिंकी कुमारी गुप्ता मांग रही है, क्या होना चाहिए। फिलहाल हमने बोला कि उतना तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन फिर भी अपने औकात के अनुसार उसको 75,000 रुपया नकद दे करके मेडिकल करवाया। कुछ ही दिन मेडिकल में रही, इसके बाद उसने दबाव डालने लगा कि मेडिकल में तुमको नहीं रहना है। मेडिकल से घर गई, 4 दिन घर में रही। इसके बाद मेरा दामाद ने फोन किया 15 तारीख को 9 बजे दिन में, 15 मार्च कि आकर के रिंकी की तबीयत बहुत सीरियस खराब है, आकर के मिल लीजिए। हम लोग ने यहाँ से 4-5 आदमी ने गए वहाँ देखे कि उसका घर बंद है, और गांव वाले से पूछे कि ये सब कहाँ गया जी, तो गांव वाले ने बोला कि तेरी बेटी को मार करके और लाश को विदा संस्कार कर दिया। इसके बाद हमने उस वहां तक गए, नदी तक गए, वहां नदी में देखे कि मेरा बेटी का लाश जला हुआ है, थोड़ा सा कलेजा बच रहा था, वैसे धुआं रहा था, उस पर 1-2 लकड़ी हम लोग दे करके वहां से फिर 12 चट्टी थाना आ गए। यहाँ थाना में भी आए लमसम 12 बजे यहाँ थाना पहुंच गए, आवेदन दिए, आवेदन 4 आवेदन उसे वहां पर हमको वापस किया गया। कभी छोटा बाबू कहने कि ये नहीं चलेगा, कभी कह दे कटकुट हो गया, कभी कह दे कि थोड़ा बहुत लिखा है शॉर्ट लिखो, ऐसे करते करते 4 बजे हमको से आवेदन लिया गया। भूखे प्यासे वहाँ, थाना ऐसा है कि वहाँ एक गिलास सत्तू ही नहीं मिलता है। हम लोग पूरे परिवार वहाँ एकदम परेशान रहे। इसके बाद में आवेदन लिए, क्या आरोपी की गिरफ्तारी हुई? अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं है सर। हमने वहाँ के दरोगा जी के बोले भी कि सर गिरफ्तार कीजिए, तो उन्होंने कहते हैं कि आप सूचना दीजिए कहाँ पे वो है। तो बताइए सर, हम कहाँ उसको खोजे, कहाँ ढूंढेंगे, हम क्या कर सकते हैं। दरोगा कोई आश्वासन नहीं दिया? दरोगा बोला कि हम गिरफ्तार करेंगे, ऐसे बोलते हैं। इतना ही नहीं सर, जब हमने 12 चट्टी में FIR दर्ज की है, एक दिन बाद हमको मोबाइल पर धमकी आया कि तुम केस उठा लो वरना तुमको जान मार देंगे, तुमको भुगतना पड़ेगा, भुगता देंगे, किडनैप कर लेंगे, ऐसे ऐसे धमकी आने लगा, जिसका नंबर है सर 72061-10512। इसके बाद हम तो समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, बार बार ये तंग कर रहा है हमको।